الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے ادب سے عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آپ نے نام سنا ہوگا حضرت لقمان علیہ السلام کا حضرت لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ظاہراً تو رنگ کے کالے تھے حبشی تھے مگر اللہ کے یہاں بڑے مقام والے تھے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے ان کی نصیحتیں بہت ہی خوب ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ کچھ نصیحتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورہ لقمان 21 پارے میں ایک پوری سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے اللہ اکبر کبیرہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ہزاروں نصیحتیں کی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر بڑے کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً خیر خواہی کے جذبے سے وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا رہے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ کتنی تھی بعض کتابوں میں تو 6000 لکھی ہوئی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کی تھی بعض میں 4000 لکھی ہوئی ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا لب لباب اور خلاصہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے 4000 نصیحتوں میں سے 4 کو تمہارے لیے چن لیا 4000 میں سے 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا اور وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے
तो फिर अंदाजा लगाएं कितनी अहम बात होगी। तो बेटे ने पूछा कि अबू वो कौन सी, वो चार कौन सी नसीहतें जो 4000 नसीहतों का लब्बे लुबाब है, खुलासा है, यूं समझिए कि सारी नसीहतों का खुलासा है। फरमाया इहफ़ अरबअन फी अरबईन, चार मौकों पर चार चीजों की हिफाजत करना। पहली नसीहत, पहली बात इरशाद फरमाई इहफ़ عينك في بيوت الناس, जब लोगों के घरों में जाओ तो अपनी आंखों की हिफाजत करना। ये तो उस दौर के हिसाब से कहा गया, उस दौर में जब लोग आते जाते थे किसी के या मेहमान, तो उस आने जाने में बेपर्दगी का भी डर रहता था। तो फरमाया कि जब लोगों के घरों में जाओ तो अपनी आंखों की हिफाजत करना। अब आजकल तो यूं कहेंगे कि नजर उठाते हुए नजर का ख्याल रखना, क्योंकि आज तो सिर्फ घर में नहीं, चूंकि आज तो गली में, बाजार में, जहां कहीं नजर उठेगी तो खतरा है कि आगे से कहीं गैर महरम ही सामने ना हो। लोगों के घरों में जाओ तो आंख की हिफाजत करनी ही करनी है, नजर की हिफाजत करनी ही करनी है, मोबाइल में भी करनी है, सड़कों पर भी करनी है, गली कूचों में भी करनी है, बाजार में भी करनी है। हमें चाहिए कि हम नजरें झुका करके चले। तो मकसद क्या था कि अपनी निगाहों की हिफाजत करना। असल ये बात समझाना चाह रहे थे अपने बेटे को कि हर वक्त अपनी निगाह की हिफाजत करना। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। आंख कैमरा है और दिल मेमोरी कार्ड है, जैसा आंख से देखो दिल के अंदर उसका वैसे ख्यालात शुरू हो जाते। जिसकी आंख काबू में है उसका दिल काबू में। अगर कोई इंसान अल्लाह का वली बनना चाहता हो, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हो, उसको चाहिए कि बुनियादी तौर पर वो अपनी आंख पर कंट्रोल करे, अल्लाह से दुआ करे कि बारी ताला मुझे आंखों के सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कितने वो लोग हैं जिन बेचारों के पास तो आंख ही नहीं, वो नाबीना है, और हम हैं कि अल्लाह ने हमें आंखें दी हुई है और हम बदनजरी में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बदनजरी से बचाए, नीचे देखकर चलने की शरीयत और सुन्नत पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के घरों में भी नजर की हिफाजत करें और जहां भी नामहरम से मुकाबला हो तो नजर की हिफाजत तो करनी करनी है। बस खुलासा ये समझ लीजिए कि हम ये तय कर लें कि हमें बद नजरी से बचना है, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। इस आंख से कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। देखो बेडरूम में अक्सर दरवाजे बारी वगैरह बंद हो ना, सुबह सफाई हो गई, माशाल्लाह पूरा बेडरूम साफ हो गया, अब उसको बंद कर दिया, दोपहर में आके खोला तो कोई कचरा नजर नहीं आता, क्या बात है। फरमाया बारी बंद थी, लेकिन बारी खुली हो तो हां फिर गंदगी हो जाती है, धूल आ जाती है, झाड़ू लगानी पड़ती है। तो ये दिल अल्लाह का घर है, यूं समझिए आंख उसकी बारी है। ये खुली रह जाएगी तो ये जो है दिल गंदा हो जाएगा, और दिल गंदा हो जाएगा तो फिर हमें अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी। अल्लाह ताला मुझे भी सही समझ अता फरमाए, आपको भी सही समझ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अक्सर स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे, उनकी ये शिकायत रहती है कि हमें याद नहीं होता, याद नहीं रहता।
बहुत सी मर्तबा उसकी वजह बदनजरी होती है। कभी ऐसा भी होता है कि जहन कमजोर हो, लेकिन एक बहुत सी मर्तबा वजह बदनजरी भी होती है। इसलिए जो है, अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हो, तलबा बात सुन रहे हो, स्टूडेंट सुन रहे हो, मकतब के तलबा सुन रहे हो, या आजिज उनसे भी कहना चाहता है कि अपने नजर की हिफाजत करें। और मदरसे के जो तलबा है उनसे भी कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह आप पूरा दिन पढ़ते हो, मेहनत करते हो, असर के बाद जरा तफरी के लिए, कुछ काम के लिए बाहर निकलते हो, उस वक्त भी बतौर खास अपनी नजर की हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी नसीहत फरमाई, इहफज लिसानक फी मजालसतिन नास, जब लोगों की मजलिस में बैठो तो अपनी जुबान की हिफाजत करना। अकेले बैठ के तो बंदा आमतौर पर न झूठ बोलता है न गीबत करता है, क्योंकि अकेले बैठे बैठे कोई बातें करेगा, गाली बोलेगा तो सब समझ जाएंगे कि इसका तो दिमाग खराब है, ये तो पागल मालूम हो रहा है। तो आमतौर पर बंदा अकेले कुछ नहीं करता, जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही दो तीन लोग जमा हो जाएं, चार पांच लोग जमा हो जाएं, मजलिस में एक से दो, दो से तीन हो जाए, फिर जुबान का बुरा इस्तेमाल शुरू करता है। किसी की गीबत की, चुगली की, बोहतान बांधा। तो फरमाया कि लोगों की मजालिस में बैठकर किस चीज की हिफाजत करना? जुबान की हिफाजत करना। इसलिए हम फोन पर भी जुबान की हिफाजत करें, अव्वलन तो फोन पर बहुत कम बात करें, जरूरत जितनी। फजूल बातें, जहां इंसान जरूरत से ज्यादा बातें करता है वहां पर तेरी मेरी होती है, गीबतें होती है, बहुत सी झूठ बातें होती है। आजकल तो बहुत झूठ, बहुत झूठ। कहीं से फोन आया, कब आ रहे हो? दो मिनट में आ रहा हूं। उसको पता है कि दो मिनट में मैं किसी हाल में नहीं पहुंचने वाला, यहां से रास्ता दस मिनट का। अरे यूं कहो ना, थोड़ी देर में आ रहा हूं। ये क्यों कहते हैं, मिनट क्यों बोलते हैं हम? फिर दो मिनट में नहीं पहुंचे तो हमें पता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन वो डर कि सामने वाला डांटेगा, सामने वाला बोलेगा कि मैंने कब से आपको कहा था, तो हमें चाहिए कि थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं ताकि झूठ बोलने की नौबत ना आती। खैर, कभी लेट भी निकले किसी वजह से, फिर भी झूठ हम नहीं बोलेंगे। अलैकुम बिस्सिद्क। देखो, एक बात याद रखना, हमेशा हमें चाहिए कि हम सच बोले। अपने बच्चों को भी जो बुनियादी सबक सिखाना है वो ये सिखाना है कि बेटा हमेशा सच बोलिए। इस जुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और दिल चीरे भी जा सकते हैं। खुशनसीब है वो जो दिल जीतने का काम करते हैं, बदनसीब है वो जो लोगों के दिल दुखाने का, दिल चीरने का काम करते हैं, वो बदनसीब है। खुशनसीब है वो जो जुबान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं, अल्लाह की बड़ाई को बोलते हैं, अल्लाह की कुदरत को बयान करते हैं, खुद भी अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं, जो जुबान की हिफाजत करते हैं वो बड़े खुशनसीब हजरात हैं। देखो, जुबान और दिल में हड्डी नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। इसलिए हमें यह तय करना है कि हमें जो है जुबान की हिफाजत करनी है। तीसरी नसीहत ये फरमाई, इहफ़ज़ मिअदतिका अला माइदा, जब तू दस्तरखान पर बैठे तो अपने मैदे की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। यूं फरमाया, बात का खुलासा यह है,
खाना कम खाना चाहिए, कम खाना गम खाना, बड़े यूं फरमाते हैं, कम खाओ गम खाओ। अक्सर गुना ज्यादा खाने की वजह से होते हैं, ज्यादा खाते हैं पेट भरा होता है, सुस्ती भी आती है, शहवात का गलबा भी होता है, बहुत से गुना भरे पेट की वजह से होते हैं, बहुत सी बीमारियां भरे पेट की वजह से होती है। खाने के तीन हिस्से करने चाहिए, एक खाने का, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए। कोशिश करो खाना खाने से पहले या दरमियान में एक दो गिलास पानी पी लो, कम से कम पानी की जगह तो पैक हो जाए। और जब हम खाने बैठते हैं तो एक वक्त आता है दिल कहता है हो गया, उसके फौरन बाद नफ्स कहता है नहीं और खाना है। वो जब आवाज एक आती है, एक मैसेज आता है कि नहीं मैं हो गया हूं, उस वक्त रुक जाना चाहिए। इतना भी कम न खाएं कि कमजोरी हो जाए, इतना ज्यादा भी न खाएं कि बदहजमी हो जाए। वो कहते हैं ना, इतना नीचे देखकर न चले कि एक्सीडेंट हो जाए, और इतना ऊपर देखकर न चले कि बदनजरी हो जाए। नीचे देख के चलना है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो पूरा इस तरह देख रहा है, अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख के चल रहा है कहीं एक्सीडेंट हो जाए। खैर, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। नीचे देखकर चलने की, नजरें झुकाकर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें कम खाने की, किल्लते कलाम। अल्लाह वाले क्या करते हैं, फरमाया अल्लाह वालों के यहां चार चीजों का बड़ा एहतमाम होता है। पहली चीज किल्लते कलाम, कम खाना नहीं, हां किल्लते ताम, कम खाना। नंबर दो किल्लते कलाम, कम बोलना। नंबर तीन किल्लते मनाम, कम सोना। आप अल्लाह वालों को देखो, अक्सर एक हद हुई तो 6 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोना चाहिए। बहुत से लोग तो 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, इतना ज्यादा सोने से भी एक सुस्ती पैदा हो जाती है। और एक बहुत बड़ा तबका, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई, उस वक्त तो सोते नहीं और दिन में सोते हैं, फिर कहते हैं हमारा सर दुखता, बेचैनी लगती है। तो रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई, उस वक्त वो रात तो हमने मजलिसबाजी में गुजार दी। हमेशा की नमाज पढ़ के खाना वगैरह अगर पहले खाते हैं या बाद में खाते हैं, फजाइल आमाल की तालीम करके हम तो जल्दी से फारिग होकर सो जाते हैं, तो हमें तहज्जुद की भी तौफीक होती, फजर की नमाज में ध्यान भी लगता। लेकिन आम तौर पे अल्लाह वालों का तहज्जुद में उठने का वक्त और हमारा मीठी नींद सोने का वक्त, क्या तहज्जुद। अक्सरों को तो फजर की नमाज की भी तौफीक नहीं होती। अगर फजर की नमाज की तौफीक हो भी जाए तो फिर ध्यान नहीं लगता, जल्दी जल्दी बंदा सोचता है कब सलाम फेरूं, कब बिस्तर पे चला जाऊं। वहां बैठ के जिक्र करने की और इशराक पढ़ के बाहर निकलने की बात तो बहुत दूर की। इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर नजर सानी करें, अपनी कोई बेहतरीन तरतीब बनाए, दस्तरखान पर जो है दस्तरखान के आदाब की रियायत रखें, सुन्नतों का एहतमाम करें, अपने सामने से खाएं, और सबसे अहम चीज है वो हलाल रिज्क खाएं। चौथी नसीहत, चौथी बात फरमाई कि बेटे इहफज कल्बक फी सलाह, जब नमाज पढ़ने का वक्त हो तो अपने दिल की हिफाजत करना। नमाज में जब अल्लाह के सामने खड़ा हो तो क्या करना, फरमाया कि अपने दिल की हिफाजत करना। देखो ख्यालात का आना बुरा नहीं, ख्यालात तो आएंगे ही, अक्सर ख्यालात तो आते ही है,
ख्यालात का आना बुरा नहीं, ख्यालात का लाना बुरा है, अपनी तरफ से कोई ख्याल लाना। और ख्याल आ रहा है उसका अपना काम है, हमारा काम यह है कि हम ध्यान लगाएं कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, ध्यान से मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, वक्त के इंस्पेक्टर के सामने, बादशाह के सामने। इंसान अदब से खड़ा होता है, सर के सामने, उस्ताद के सामने, शेख के सामने, बाप के सामने, तो हम तो रब्बे कायनात के सामने खड़े हैं। हिलते हिलते बहुत से लोग तो एक पैर सीधा रखते हैं और एक पैर घुटन से थोड़ा सा वाल देते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं। ये कोई तरीका है अल्लाह के सामने खड़े होने का? बहुत से लोग तो हिलते रहते हैं नमाज में, एकदम बेसुकूनी से नमाज पढ़ते हैं। बहुत से लोग तो सूरह फातिहा पढ़ के हाथ छोड़ देते हैं और रुकू में जाते जाते एक छोटी सी सूरत पूरी करते हैं, और तीसरी मरतबा सुबहान रब्बी अलाजीम तो रुकू से खड़े होते होते पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अच्छी जानदार नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो ख्यालात का आना बुरा नहीं, ख्यालात का लाना बुरा है। जो ख्यालात आ रहे हैं उसको टच करना वो बुरा है। एक तरफ ख्याल आ रहे हो और हमारा काम ये है, ख्याल का काम है ख्याल आए, हमारा काम ये है कि हम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं। अल्लाह कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा ध्यान के साथ, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह की बड़ी मदद होगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो चार बातें हुई, नंबर एक आंखों की हिफाजत, नंबर दो जुबान की हिफाजत, नंबर तीन मैदे की हिफाजत, नंबर चार नमाज के अंदर दिल की हिफाजत। अल्लाह ताला हमें आंखों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, जुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, कम खाने की, मैदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, और नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की, नमाज के अंदर दिल की हिफाजत की, अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। लुकमान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को अल्लाह ने जो जाहिरी और बातिनी नेमतें अता फरमाई थी, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को अता फरमाए, और लुकमान अलैहिस्सलाम की उन मुबारक नसीहतों पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बाप है उनको अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा मिसाली बाप अता फरमाए, और हमारे बच्चे को अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह मिसाली बेटे बनाए। तो तय कर लीजिए कि इंशाल्लाह बदनजरी हरगिज नहीं करेंगे, जुबान का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, पेट भरकर खाना हरगिज नहीं खाएंगे, मैदे की हिफाजत करेंगे, और नमाज के अंदर जो है दिल को कहीं और नहीं ले जाएंगे, नमाज के अंदर ख्यालात लाएंगे नहीं, ख्यालात को टच नहीं करेंगे, अल्लाह को भूलकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम अल्लाह के सामने खड़े हैं पूरे इस्तेहजार के साथ, ध्यान के साथ हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की, और लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहतें की थी, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। मर्द हजरात आवाज से करें, इस तरह के किसी और को तकलीफ ना हो, माएं बहनें आहिस्ता करें, सिर्फ अपने कान में आवाज आए, इस तरह पढ़ें। अल्लाह जल जलालू, अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह 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 पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद रखें, अपनी गर्दन को झुकाए रखें, मुराकबा कर लीजिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत व सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुबान को तालू से लगाएं और दिल से अल्लाह को याद करें। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्ना कुन्ना मिन अज़्ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह बेशक हम बहुत ही बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं, इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, आपकी बहुत नाफरमानियां की हुई हैं और हमें ये भी पता है कि आपके सिवा कोई माफ नहीं कर सकता, आपके सिवा कोई बख्श नहीं सकता। आप करीम हैं, आप रहीम हैं, करीम अल्लाह माफ कर दीजिए, रहीम अल्लाह माफ कर दीजिए, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी, हमें उन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। और बतौर खास ये चार नसीहतें जो यूं फरमाया, जो सारी नसीहतों का तकरीबन खुलासा था, ए अल्लाह हमें इन चार नसीहतों पर बतौर खास अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह हमें बदनजरी से बचाइए, हमें जुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाइए, हमें मैदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाइए, नमाज के अंदर दिल की हिफाजत की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाइए। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाइए। ए अल्लाह हम में से हर एक की जायज तमन्ना को, नेक मुरादों को पूरा फरमाइए। हम में से जो भी परेशान हाल हो, अल्लाह सब की परेशानी को दूर फरमाइए। ए अल्लाह इस मजलिस के फैज को कयामत तक खूब आमो ताम फरमाइए। अल्लाह हमें बार बार हरमैन शरीफैन की अजमत के साथ, कदरदानी के साथ मकबूल हाजिरी नसीब फरमाइए। और अल्लाह जी हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। 15 जून तक इंशाअल्लाह रोजाना दो मजलिसें होगी। दोपहर की मजलिस 3:30 बजे शुरू होती है 4 बजे तक। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 7 पार्ट हुए, उम्मीद है इंशाअल्लाह कल 8वां पार्ट होगा इंशाअल्लाह।
اور رات کی مجلس 10 سے 10:30 ہوتی ہے اور اس میں ذکر مراقبہ اور دعا بھی ہوتی ہے. آپ حضرات سے گزارش کہ سننے کی کوشش کریں, دونوں مجلسے کو اٹینڈ کریں, میرے لیے بھی دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.